हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल अविनाश हेयर केयर में। तो दोस्तों, आज एक हम बहुत ही लॉन्ग हेयर में एक लेयर कट देखने वाले हैं, वो भी बहुत लॉन्ग। देखो, आप उनको दिख रहा होगा कि कितना लेंथ है। तो पहले हम वन लेंथ करेंगे, देन हमारा पूरा हेयर कट मैं आपको धीरे धीरे समझाऊँगा। तो ये वीडियो पूरा देखिए तो आपको समझ में आएगा, आप आधा ही देखोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, पहले मैंने वन लेंथ किया है इनके हेयर में। वन लेंथ का तो आप सबको मालूम है कि मैं वन लेंथ कैसे करता हूँ। और ये मिस्टर बार्बर का सीज़र है जो मैं यूज़ करता हूँ। बहुत लोग पूछ रहे थे कि कौन सा सीज़र यूज़ करते हो, तो मैं ये मिस्टर बार्बर का सीज़र यूज़ करता हूँ। वैसा कुछ नहीं, आप भी कोई भी सीज़र हो आपके पास, आप कट कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। बट प्रॉपर शार्प होनी चाहिए, जिससे कि बाल प्रॉपर कटे, ऐसे एजेस ना रहे बीच बीच में, तो वो अच्छा रहेगा आपके लिए। तो दोस्तों, वन लेंथ सबसे इम्पोर्टेंट है। वन लेंथ को आपको 0 डिग्री पे लाके कट करने होते हैं पूरे बाल, क्योंकि बहुत लोग अगर आप थोड़ा भी ऊपर लेते हो तो क्या होता है ना, वहाँ पे थोड़े स्टेप जैसा रह जाता है। तो कभी भी जब भी आपको वन लेंथ करना होगा तो आप 0 डिग्री पे ही कट करो। तो मैं पूरे हेयर को पहले 0 डिग्री पे कट करके लूँगा, देन हमारा पूरा आगे का प्रोसेस मैं आपको बता दूंगा। तो दोस्तों, ये हो गया। उसके बाद हमें करना है इनके हेयर पे फेदर। तो इसमें ऑलमोस्ट 3 हेयर कट मिक्स हो जाएंगे, फर्स्ट वन लेंथ, देन फेदर, देन हम हमारा लेयरिंग देंगे, जो भी बॉटम में एक लेयर देंगे, क्योंकि बहुत लॉन्ग लेयर है, लॉन्ग हेयर है उनके, तो उसमें आपको देना है। उसके लिए हमने एक पैरेलल सेक्शन लिया है, आप देख सकते हो। दोनों आईब्रोज के सेंटर से एक सेक्शन लिया है और क्लाइंट के डिज़ायर के हिसाब से मैंने वो कट कर रहा हूँ। तो ये हमारा गाइडलाइन है सामने फेदर के लिए, तो हमें इसे ही फॉलो करना है आगे जो हम फेदर करेंगे। तो आपको इसी गाइडलाइन को फॉलो करना है, तब जाके वो प्रॉपर लॉन्ग लेयर में आएगा, क्योंकि क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है कि उनको ज़्यादा लेयर नहीं, बस बॉटम में चाहिए और लेंथ बहुत ही लॉन्ग चाहिए उनको। तो दोस्तों, मैं बस कॉम में लेके ये फेदर कर रहा हूँ, तो आपको भी अगर ये स्टाइल में जमे तो आप भी कर सकते हो, अदरवाइज आप फिंगर में भी ले सकते हो। बट मैं बहुत क्रॉस लेके जा रहा हूँ, यानी दूसरे जो हमारा ईयर होता है दूसरे साइड का, उधर लेके जा रहा हूँ बालों को, क्योंकि बहुत बार हम क्या करते हैं ना, 0 डिग्री यानी हम नोज़ लेवल पे लाके कट करते हैं। बट मैं थोड़ा सा और क्रॉस लाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे उनकी लेंथ ज़्यादा मेंटेन हो, क्योंकि अगर लेंथ मेंटेन नहीं होगी तो आप फंस सकते हो, क्लाइंट बहुत चिल्ला सकता है। तो आपको कभी भी याद रखना है कि आपको जो भी करना है तो प्रॉपर लेंथ मेंटेन करनी है। बस अभी इस साइड का सेक्शन देखो, मैं सिमिलर क्रॉस खड़े होके इनका ये कट कर रहा हूँ, क्योंकि इस साइड से मुझे दिखाने में प्रॉब्लम आ रही थी इसलिए। तो दोस्तों देखो, इस साइड भी कर लिया। अभी जो सेम पीछे का सेक्शन मैं 2 हिस्सों में डिवाइड करके एक हेयर कट कर रहा हूँ। तो बहुत लोग, अगर आपको हाथ में हेयर नहीं बैठ रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप दोनों भी हैंड यानी थोड़े थोड़े सेक्शन लेके कर सकते हो। अभी मेरे हाथ में पूरा सेक्शन बैठता है इसलिए मैं बस डायरेक्ट 2 सेक्शन में डिवाइड करके फेदर करता हूँ। तो दोस्तों देखो, ये हो गया हमारा फेदर हेयर कट। फेदर के बाद हमें करना है इनके हेयर के ऊपर प्रॉपर लेयरिंग, और वो भी बस बॉटम में देना है, क्योंकि हमें लेंथ का बहुत ख्याल रखना है इनके हेयर के ऊपर। अगर लेंथ थोड़ा कम ज़्यादा हो गया तो प्रॉब्लम आ सकती है हेयर के ऊपर, तो आपको लेंथ का ध्यान रखते हुए हेयर कट करना है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक बॉक्स सेक्शन लेंगे, जैसे आप देख रहे हो मैंने बॉक्स सेक्शन लिया है। मैं इसमें सेक्शनिंग नहीं दिखा, डायरेक्टली दिखा रहा हूँ आपको। बॉक्स सेक्शन लिया, बॉक्स सेक्शन को आपको फिंगर से आगे लेके जाना है नोज़ के साइड में, वैसे डायरेक्शन में 360 डिग्री एंगल, और उसके बाद आपको उसे इजी से कट करना है और आपका एक गाइडलाइन क्रिएट कर लेना है। जब तक आपका ये गाइडलाइन क्रिएट होगा फिर आपको बहुत आसानी होगी पूरा हेयर कट करने के लिए। अभी आप देख सकते हो मैंने लेयर कहाँ से स्टार्ट किया है, वो आपके हिसाब से और क्लाइंट के डिज़ायर के हिसाब से आप ये देख सकते हो। तो थोड़ा सा मैं बीच में नॉचिंग भी कर रहा हूँ, तो आप भी कर सकते हो। तो बहुत इजी हेयर कट है दोस्तों, आप इजीली ये कर पाओगे। उसके बाद देखो, आपको एक आइडिया आ जाएगा कि मेरे लेयर कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, तो आपको वहाँ से ही लेयरिंग देना स्टार्ट करना है। अभी सिमिलर ईयर टू ईयर पार्टीशन किया, अगर आपके हाथ में इतने बाल नहीं बैठ रहे तो आप दो पार्ट में भी इसे डिवाइड करके कट कर सकते हो। बट मैं डायरेक्टली इसे ले रहा हूँ, बस 4 सेक्शन में यह हेयर कट करूँगा, ज़्यादा सेक्शन नहीं लूँगा और एक भी क्लिप में यूज़ नहीं कर रहा हूँ, दिख रहा होगा आपको हेयर कट में, तो आप भी ये कर सकते हो। तो दोस्तों देखो, गाइडलाइन दिखा, फिंगर को क्रॉस किया, देन चॉप। तो आपको बस इतना ही करना है कि गाइडलाइन को फॉलो करते हुए ये हेयर कट आपको करना है। तो बहुत ईजी है दोस्तों, आप इजीली ये कर पाओगे।
देखो कैसे लेयर्स आ रहे। तो दूसरी साइड सिमिलर ईयर टू ईयर कॉम कर लिया। कॉम के बाद आपको सारे बालों को ऊपर उठाना है और इन हेयर को भी आपको आगे के साइड लेके जाना है और गाइडलाइन को आपको फॉलो करना। तो जैसे मैं आगे लेके गया, फिंगर को क्रॉस किया, आप दिख रहा होगा ट्राइंगल में गाइडलाइन दिखा और उसे मैं कट कर रहा हूँ। तो दोस्तों बहुत इजी टेक्निक से मैं ये हेयर कट कर रहा हूँ, तो आप भी ये हेयर कट कर सकते हो और बहुत इजी तरीका है, तो आप भी ये कर लो। अगर आपको कुछ भी दिक्कत आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिए। कमेंट करोगे तो मुझे भी आपके सुझाव से मिलता है, कुछ सीखने को मिलता है कि सर ये करो वो करो, तो आपके जो भी टिप्स है वो मुझे देते रहो। तो दोस्तों उसके बाद हम पीछे की साइड अभी आ चुके हैं, तो ये वाला मैंने पूरा सेक्शन लिया है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि मैं डायरेक्टली पूरे बड़े बड़े सेक्शन लेके मैं कट कर रहा हूँ, तो आप भी ये कर सकते हो बड़े बड़े सेक्शन लेके, बट आपके हाथ में इतने हेयर बैठने चाहिए। अगर नहीं बैठ रहे तो दो सेक्शन में डिवाइड कर लो। उसके बाद सेम आगे की तरफ लिया और गाइडलाइन मुझे मिला, देन मैं उसे कट कर रहा हूँ। तो दोस्तों बहुत इजी तरीका है, बस गाइडलाइन इसमें हमें लॉन्ग रखनी है, इसलिए हमें आगे की तरफ डायरेक्शन में देना है जिससे कि लॉन्ग लेयर रहे और बालों में अच्छा वॉल्यूम भी एक क्रिएट हो। तो दोस्तों और भी बहुत सारे वीडियोज़ मैं बनाने वाला हूँ नए नए, तो अगर आपको कुछ लगता है कि मैं कुछ टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कि कौन से टॉपिक पे मैंने वीडियो बनानी चाहिए, तो मैं उस हिसाब से वीडियो आपके लिए बनाऊँगा। तो देखो दोस्तों इसमें भी सिमिलर लिया है, देखो गाइडलाइन दिखाई दिया और उसे मैं कट कर रहा हूँ। तो ये हो गया आपका हेयर कट, उसके बाद मैं ब्लो ड्राई दिखाऊँगा। तो दोस्तों आपको केमिकल में भी बहुत सारी प्रॉब्लम आती होंगी, तो अगर केमिकल में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों, तो पहले आप केमिकल करना सीख लो या फिर प्रॉपर इंफॉर्मेशन रहेगी आपको तो ही करो, क्योंकि फिर आप क्लाइंट के हेयर के साथ मत खेलो कि उससे उनका भी लॉस होता है और आपका भी लॉस होगा। तो ये बहुत लोगों के अधूरे नॉलेज से आप ये नहीं कर पाते हो। तो दोस्तों पूरा नॉलेज लो और फिर ही हेयर कट या फिर जो भी आप केमिकल करते हो वो करो, क्योंकि क्लाइंट के हेयर बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकते हैं। तो प्रॉपर इंफॉर्मेशन नॉलेज एंड देन आप वर्क अपना कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों हम ब्लो ड्राई कर रहे हैं। अब अगर आपको कोई भी दिक्कत या कोई भी परेशानी ये हेयर कट में लग रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, तो उसके ऊपर मैं आपको सोल्यूशन दे दूंगा। तो हर एक कमेंट का मैं आंसर करता हूँ दोस्तों, ऐसा नहीं है कि मैं बस बोलता हूँ कमेंट करो, तो मैं हर एक कमेंट का आंसर देने की कोशिश करता हूँ। जैसे भी मुझे टाइम मिलता है मैं उसमें आपके लिए वीडियो भी बनाता हूँ। बहुत सारे क्लाइंट होते हैं जो नहीं बोलते कि हमारे हेयर के ऊपर मत करो, मेरा फेस आ रहा है ये, तो भी हम कैसे भी कोशिश करके मैं वीडियो बनाता हूँ दोस्तों आपके लिए। तो आपका भी काम है कि मुझे सपोर्ट करना, तो आप दोस्तों मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिए, वीडियो भी देखिए और आपके लिए मैं सारी चीज़ें कर रहा हूँ, तो वीडियो को सपोर्ट कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरा चैनल ग्रो कर कीजिए जिससे मैं थोड़े और फॉलोअर्स बना पाऊँ और आपको और नॉलेज दे पाऊँ। तो दोस्तों हमारा ब्लो ड्राई हो चुका है, तो आप देख सकते हो कितना अच्छा फॉल आ रहा है। तो अभी आपको इनका मेन रिजल्ट दिखाऊंगा। और जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते दोस्तों, तो इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो जाके मुझे फॉलो ज़रूर करना। तो दोस्तों ब्लो ड्राई के बाद वाला लुक है, तो दोस्तों फटाफट लाइक करो ये वीडियो को अगर आपको ये हेयर कट अच्छी लगी हो तो, और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को, और ऐसे ही मुझे प्यार दे। और आपको ये हेयर कट कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।